वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी जी ये परिवार जिहड़ा तुसी हुणे देखिया सीगा उन्हां नूं लै के जा रहे हैं जी बाप अपने कोले संस्था ते ते सच्चे पातशाह मेहर करन जी बजुर्ग दा तां पेट दे विच पाणी भरिया होया बहुत ज़्यादा, इन्हां नूं हस्पताल एडमिट करवाउणा ते बच्चों का भी ट्रीटमेंट चलना वा जी। तो साढ़े इतों जलंधर तो टीम के मैंबर आ वीर दमन ते वीर दा कि नहीं है कमलजीत सिंह पाटिया वीर साढ़े को इतने पहुंचे, इन्होंने रास्ते सानू इतने रोक के चाह पानी पिलाई, बच्चों भी समोसे खवा रहे हैं जी साढ़े टीम के मैंबर, तो बच्चे काफ़ी खुश है जी, दोनों भैन भरा खा रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा ना सच्चे पातशाह मेहर करन जी ये दिमागी तौर पर जी इन्हों प्रॉब्लम वा वो ठीक हो जाए जी। इलाज इन्हों का अभी लुधियाने दीपक अस्पताल तो चालू करवावे जी। तो बाबा जी की हालत तुम देख सकते हो तरसेम लाल की, पेट इन्हों का बहुत ज़्यादा फुलिया हुआ, पानी भरया हुआ पेट के, तो सह बड़ी मुश्किल ना आता, साढ़े को गड्डी का साधन सीगा तो फिर असी परिवार को सारे बिच बिठा लिया जी नाल लैके जा रहे हैं। तो वीर दमन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने साढ़े को वीडियो देख के जदी जलंधर तो पहुँचे साढ़े मगर तो आके साडा साथ दिता। तो असी हुण इस तरसेम लाल जी को दीपक अस्पताल लुधियाने एडमिट करावे तो बच्चों भी उत्थे एडमिट करवावे जी। तो फिर ये लड़की है जी ये वास्ते साढ़े को जिवें पता असी फीमेल नूं रखते नहीं, प्रबंध है नहीं गा कोई फीमेल रखण दा साढ़े को हजे, तो इहनू लड़की नूं असी आश्रम दे विच जां तां कोटकपूरे आश्रम हैगा जी साढ़े गरीबदास जी का, तो जां इत्थे बिरका आश्रम बनया होया फगवाड़े जिथे अगे भैण नूं छड्डिया सीगा उत्थे पहुँचते करांगे जी। तो बाकी बिक्की वीर ते उहनां दे फादर साहब आ जिहड़े तरसेम लाल जी, इन्हां नूं साढ़े को आश्रम च रहणगे जी, गुरु महाराज कृपा करन इन्हां दी तंदुरुस्ती देण इन्हां नूं, तो आपकी जी बचती जिंदगी आ बाबा जी तरसेम जी वधिया तरीके ज्यों सकन जी। तो असी संगतां नूं भी बेनती करते हैं भी इन्हां दी सेहतजाबी वास्ते अरदास जरूर करियो जी, ये बच्चों ने बड़ा दुख सहा, जाने कि अज हाथ साफ हत्थां नाल खाना खा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो बड़ी मुश्किल नाल हाथ पैर साफ किए, नौ कट्टे आ जी, टॉयलेट फसी हुई थी बिच उन्हां हत्थां दे नाल ही लैटरीन हथ लिबड़े हुए, उन्हां हत्थां दे नाल ही रोटी खाई जांदे सीगे जी बच्चे, तो उन्हां हत्थां नाल ही खाण वाली चीज़ां खाई जांदे सी, मूँह नूं भी टॉयलेट लगी, सिर नूं भी, कपड़िया नूं भी, पैरां नूं भी, जाने कि हर एक बिस्तरा हर चीज़ उत्थे टॉयलेट नाल लिबड़ी हुई सीगी जी। तो इस हालात दे विच परिवार नरक भरी जिंदगी कढ रहा सी जी, इस तो वड्डा नरक नहीं हो सकता कोई, तो सच्चे पातशाह इदां दी जिंदगी ना रब किसी नूं देवे, किसी दे परिवार नूं किसी दे बच्चे ते भी इदां दी आण ना आवे जिहड़ी इस परिवार ते आई आ। तो ये परिवार ने बड़ा दुख सहा जी, पिछले 8 सालों तो ये बच्चों की माँ की डैथ होने तो बाद परिवार इदा ही नमोशी भरी जिंदगी ज्यों रहा सीगा जी, जिवें कि तुहानूं दस्या ना टॉयलेट करन दा पता, ना कपड़े बदलन दा, ना नहाउण दा, इन्हां तिन्ने दोनों बच्चों नूं, ते फादर भी बीमार रहण लग गया पिछले 7-8 महीनों तो, ते पिछले 7-8 महीनों तो ये परिवार ने जाने कि जो दुख संताप भोगया जो नरक भोगया वो जिंदगी दे विच रब किसी दुश्मन नूं भी ना दिखावे जी। तो ये संगतां नूं भी असीं अपील करते हैं भी थोड़े आंढ गुआंढ आस पास कितें भी कोई तुहानूं इदा का परिवार मिलता ज पता लगता वो मदद जरूर कराया करो जी, इन्नी नरक भरी जिंदगी आंढ गुआंढ के लोगों की ज होर महल्ले वासियों की, गुरद्वारा साहब नेड़े से बिल्कुल उतों की गुरद्वारा कमेटी की, तो MC जो भी शहर के प्रधान इस सारे की जिम्मेवारी बनती सी जी, इस परिवार को एक भी संस्था उठ के मदद कर दें, गुरद्वारा साहब भी कल हैल्प कर दिता जिमें कि असं अगे कहें रहने, तो यह परिवार नाल आ कुछ ना हों, ये परिवार ज्यौदे जी, ये इंसान जानवरों वाग ना खाते, जानवरों वाग ना रेंदे, ये अपने समाज की एक निगरती हुई सोच आ जी भी बंदू इदा रहना पै रहा जी, कि अज तो 10-15 साल पहला की इदा के कदम माहौल किसी ने देखा सी जी, तो किसी ने इदा का सोचा भी कोई परिवार इदा भी प्यो पुत धी तीनों जाने कि आपका जो मलमूत्र त्यागया होया उ खाणगे जो ही उत्थे ही सौंगे वो ही रहनगे, की तुहानू लगता इदा भी इस तो पहला कदे ऐ हुंदा सीगा। तो आ देखो तुहाडे सामने अज दे समाज का चेहरा, आ देखो बच्चे किन्ने खुश आ, हुणे किन्नी खुश आ गुड़िया, इहदा नाम हैगा रचना जी, मुंडे का नाम बिक्की आ जी, तो उन्हां दे फादर का नाम तरसेम लाल आ जी, तो जाने कि यह गुरु महाराज की कृपा सच्चे पातशाह जिहड़ी साडी टीम नूं इदां दीआं सेवावां मिलदियां वा, ये सेवा साडे सच्चे पातशाह ने लाई है जी, ये परिवार नूं असीं लैके चले आ तुहाडे सारिआं वीरां भैणां दे सहयोग दे नाल, तुहाडियां दुआवां दे नाल असीं परिवार की मदद करांगे, ते इन्हां दी सेवा पूरी तनदेही नाल करांगे जी। तो साडे टीम दे मैंबर वीर खड़े आ सारे, तो सच्चे पातशाह की मेहर आ जिहड़े
ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਜੀ ਰੇਲੂ ਚੌਂਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੋਵਾਲ ਚੌਂਕ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।